इमेज फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर एक बहुत सिंपल मॉडल देखें इमेज फॉर्मेशन का, तो कोई भी सीन इल्यूमिनेट होता है, मान लीजिए किसी सिंगल सोर्स से, और उसके बाद वो सीन रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन कैमरे की तरफ। अब यहां पर एक सिंगल पॉइंट सोर्स आप देख पा रहे हैं, और मैं इसको जरा कलर चेंज करता हूं ताकि आप थोड़ा समझ सकें डिफरेंसेस को। ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स से आपके ऑब्जेक्ट की तरफ इल्यूमिनेशन आ रहा है, यानी कि लाइट समझ लीजिए, लाइट आ रही है। लाइट अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। तो जो सीन है ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस रेडिएशन को कैमरे की तरफ, या कैमरा एंगल लेता है तो वो उसके तरफ जो भी, क्योंकि हर जगह लाइट निकल जाती है, कुछ इसकी तरफ भी आती है। और जो कैमरा सेंस करता है, इसमें कैमरा में सीसीडी या और भी जो कैप्चरिंग डिवाइसेस होती है वो यहाँ पर। और उसके बाद दो पार्ट है इमेज फॉर्मेशन के, एक तो ज्योमेट्री है, दूसरी लाइट की फिजिक्स है। यानी कि ज्योमेट्री मतलब ये है कि कहाँ पर जो इमेज प्लेन है, जहां पर आपका बेसिकली वेयर द इमेज प्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द सीन विल बी लोकेटेड, आपका इमेज प्लेन में। क्योंकि अब जब आप कैमरे की बात कर रहे हैं तो कैमरे में आपका इमेज प्लेन होगा, यानी जहां जहां पर इमेज बनेगी, तो वहां पर आपका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन उस सीन का कहां पर होगा। प्रोजेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, प्रोजेक्शन मेनली दो तरीके के होते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। पैरेलल में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो इस प्रोजेक्शन पे ज्योमेट्री बनती है कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। दूसरी जो लाइट से रिलेटेड है, ये बताता है कि ये तो आपने ज्योमेट्री तो बना ली कि ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, ये आपकी इमेज बनेगी। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, यानी कि इमेज प्लेन में दिखाई क्या देगी, वो ऐसे पता चलेगा कि आपका इल्यूमिनेशन जितना हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है इसमें इल्यूमिनेशन कितना हो रहा है, और ये रिफ्लेक्टेंस कितना आ रहा है इसमें। तो ये फंक्शन है जो आपका बेसिकली इमेज बनाएगा, ये टू डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन है। ये इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस दोनों को मिला के बनाए, बेसिकली इसका प्रोडक्ट मान लीजिए। एक कैमरा किस तरीके से बनाएंगे, यहां पर एक फिल्म रखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप फिल्म रख रहे हैं ऑब्जेक्ट के सामने। क्या हमारे पास एक इमेज आएगी इसकी, क्या हम मान पा रहे हैं कि यही इमेज हम यहां पर हमें दिख जाएगी, कैसे होगा, इस तरीके से आएगी, ये डायरेक्शंस होंगे, या इसका इस तरीके से आएगा इस पॉइंट का, ये अलग पॉइंट दिखा रहा हूं मैं। तीसरे पॉइंट में आप देखिए, अगर मान लीजिए एक बैरियर लगा दीजिए, छोटी सी इसकी ओपनिंग दे दीजिए, जिसे हम बर्चर कह रहे हैं, जितनी भी रेज आ रही है अलग अलग आपने देखी पिछले जो डायग्राम में, उसको रोकने के लिए, जो ब्लरिंग हो रही थी उसको हम रोकने के लिए इस छोटे से बैरियर को लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि केवल जो इमेजेस या फिर रेज इससे पास होंगी वही यहां पर फिल्म पे आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, तो इससे ब्लरिंग कम हो जाएगी। देखिए अब इसमें से एक आ रही है ऐसे। तो जो पिनहोल कैमरा मॉडल अभी हमने देखा, ये एक सिंपलेस्ट डिवाइस है ताकि आप एक इमेज बना सके। एक्चुअल में लाइफ में, वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो 3D में, आप 3D सीन को 2D सीन में या 2D सरफेस में दिखाना चाह रहे हैं, तो पिन होल कैमरा सबसे सिंपलेस्ट एक एग्जांपल है। तो जो लाइट आती है वो इस पिन होल से पास होती है और ये एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन। ये आपका इमेज प्लेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका पिन होल कह लीजिए या सेंट्रल प्रोजेक्शन कह लीजिए। यहां से ये रेज, यहां से ये देखिए टॉप से लेकर बॉटम तक ये जा रही है और इसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। तो अगर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जैसे मैंने बताया दो तीन टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, दो मेन टाइप के होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, कैवेलियर वगैरह, ऑब्लिक, नो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ये होता है जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, आपकी आंखों से देखिए तो पास की चीज बड़ी लगेगी, दूर की चीज छोटी लगेगी, और आखिर में आपको जाके एक हॉरिजॉन दिखाई देगा जहां पर बादल और जमीन मिल रहे हैं। तो एक बहुत दूरी तक का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे ट्रेन की लाइनिंग के सामने खड़े हो जाइए, जो रेलवे ट्रैक है, आपको एक जगह पे जाके वो जो रेलवे ट्रैक है मिलती हुई नजर आएगी, इसे हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर हम एक्स की बात करें, एक्स और वाई पॉइंट जो हम बात करेंगे वाली, तो ये वही बात, एक्स और वाई, तो कैसे मिलेगा ये, एक्स और वाई आपको मिलेगा एफ, सिंपल इसको सिमिलर ट्राइंगल से हम बनाएंगे, बहुत बहुत सिंपल है, एफ एक्स बाई जेड, सिमिलर ट्राइंगल से एफ एक्स बाई जेड आएगा या एफ वाई बाई जेड आएगा, जहां पर एफ आपका फोकल लेंथ है जो भी आप इमेजिंग डिवाइस का ले रहे हैं। तो जो अपर्चर आपने लिया, इस अपर्चर साइज का कितना अंतर पड़ता है अगर आप बड़ा अपर्चर ले रहे हैं, यदि आप छोटा अपर्चर ले रहे हैं। तो अगर आप बड़ा अपर्चर ले रहे हैं, अगर आप ये बड़ा अपर्चर है, तो लाइट जो आ रही है सोर्स से वो स्प्रेड हो जाती है, यानी प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता है उसका, इसीलिए आपको ब्लर इमेज दिखती है। तो
तो देखिए अगर यहां पर आप हैं, इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है, आप उल्टे दिख रहे हैं इसमें, लेकिन जैसे ही आप यहां पर बढ़ा लेंगे ना, तो यहां पर देखिए दो आपको रेज दिख रही है, इसके कारण ये ब्लर आई, क्योंकि ये भी उसी पोजीशन को दिखा रही है, ये रेज भी, ये रेज और ये रेज, दो रेज देख पा रहे होंगे, दे आर टू रेज, तो ये भी और ये भी दोनों एक ही पॉइंट को दिखा रही है, इससे ब्लरिंग आ जाती है, दोनों एक चीज को दिखाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। अगर छोटा अपर्चर लेंगे तो ब्लरिंग इसको, ब्लरिंग तो कम कर देगा, लेकिन अब ये देखिए छोटा लेंगे तो लाइट भी कम आएगी, और जब लाइट कम आएगी और छोटा पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमारे पास शार्प एजेस हैं तो वहां पर वो डिफ्रैक्ट करती हैं, यानी कि वो यहां से आके यू मूव कर देंगे, ऐसे यू करके मूव कर देंगे, तो उसका उससे उस कारण से भी आपकी इमेज में दिक्कत आती है। तो एक लार्ज साइज में पहले दिखा देता हूं उनको, अगर आप वेरी करेंगे अपर्चर साइज को, तो अगर 2 मिलीमीटर का आप लेते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, ये इमेज आप क्लियर, ये वाली आ रही है, इसकी इस इमेज की बात कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर में कुछ ऐसे दिखाई देगा, 0.6 पे यहाँ जाएंगे और 0.35 पे आपको ये दिखाई देगा। तो ये आपको तय करना है कि आपका पर्चा साइज कैसे होगा। तो अगर आप वेरी करते हैं पर्चा साइज को, अगर हम डिक्रीज करते रहते हैं, तो अगर मैं 0.6 mm से 0.07 mm तक चला जाऊं तो किस तरीके से वेरिएट करता आप देखिएगा। तो जब लाइट पास होती है एक स्मॉल होल से, एक छोटे से होल से, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ्रेक्शन का मतलब ये है कि शार्प एज में वो जाके बेंड हो जाएगी, जैसे पानी अगर आप देखिए किसी भी एक पाइप से निकलता है तो वो फैलता है, फैल जाता है, वो एक ही धारा में नहीं बहता, अगर उसकी स्पीड तेज ना हो तो, स्पीड तेज भी होगी तब भी वो धारा उसकी फैलेगी। इसका सॉल्यूशन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी वेव्स जब भी दो मीडियम के बीच में आती जाती है तो वो अपनी जगह चेंज करती है, अपना जो डायरेक्शन है, कोर्स जो है उसका, उसको चेंज कर देती है। तो बेंडिंग जो वेव की होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि वहां पर स्पीड चेंज होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या लाइट रेज की, तो फास्ट मीडियम में यहाँ पर फास्ट होती है जहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, जहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पर वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, इसलिए बेंड हो जाएगी। अगर हम लेंस की बात करें, यहां पर आपको लेंस दिख रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, चलिए जो पिन होल हमने बात की थी, तो लेंस ये डुप्लीकेट करता है इस पिन होल ज्योमेट्री को बगैर किसी बहुत छोटे स्मॉल अपर्चर का उपयोग किए हुए। जो हमने अभी अपर्चर का एग्जांपल लिया कि छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो क्या अंतर आएगा, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, क्या फायदे है? तो हम लेंस लेते हैं, वो डुप्लीकेट करता है इस पिन होल ज्योमेट्री को। वो करता क्या है कि वो सारी की सारी आपकी लाइट को ले लेगा किसी ऑब्जेक्ट से जो आ रही है, और उसको पॉइंट कर देगा बिल्कुल एक तरीके से सबमर्ज करके, मतलब कलेक्टिव बना के, सबको गैदर करके, वो एक फाइनाइट अपर्चर है, फाइनाइट अपर्चर है इसका, लेंस का भी अपर्चर होता है, इसका फोकल लेंथ है, इसका डिस्टेंस यू है यहां से यहां तक, इसका डिस्टेंस वी है, इसका भी अपर्चर होता है। तो मेन काम ये करता है कि लाइट को फोकस में ला के कोई एक सिंगल एक इमेज पॉइंट पे यहां पर इसकी इमेज बना देता है, ये इसका फायदा है लेंस का। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो अपर्चर से कर रहे थे, अगर हम इसको लेंस से करेंगे, तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो अपने आप जो भी जितनी आ रही है इस पॉइंट से वो सारी एक पॉइंट पे जाएंगी, जो इधर से जा रही है वो सारी आपकी इस पॉइंट पे जाएंगी, ये फायदा हुआ। तो ये लेंस इंप्रूव करता है इमेज क्वालिटी को और शार्पर इमेजेस आपकी देता है। अब थिन लेंस की बात करें, जिसे हम आइडियल लेंस कहते हैं, तो अगर थिन लेंस देखें यहां पर, तो जो लाइट रेज यहां से आएंगी वो डिविएट नहीं होती, थिन लेंस की बात करें, जिसे हम आइडियल लेंस की संज्ञा दे, और जो लाइट आ रही है बहुत दूर से, जो द लाइट रेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो डिविएट ज्यादा होंगी बाकी कम। जितनी पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे, और जब रेज परपेंडिकुलर होंगी लेंस से, इसे हम कहेंगे फोकल पॉइंट। व्हेन रेज आर परपेंडिकुलर टू द लेंस इट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। तो सारी की सारी लाइन जब इस लेंस के एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगी और ये सारी की सारी जहां फोकस होंगी उसे ही हम उसका फोकल पॉइंट कहते हैं। अब जो प्लेन पैरेलल है लेंस के जो फोकल पॉइंट में, इसे हम कहते हैं यहीं पे, ये जो लेंस की एक्सिस है और जो हमने इस फोकल पॉइंट से एक
प्लेन बनाया, जो ये दोनों पैरेलल है, इसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। और जो डिस्टेंस है किसका, लेंस का और फोकल प्लेन का, इसे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज आवर फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ। थिन लेंस की इक्वेशन क्या होती है, अज्यूम करिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यू डिस्टेंस पे, एक ऑब्जेक्ट आपका यू डिस्टेंस पे है लेंस प्लेन से। अब इस तरीके से यू डिस्टेंस है, ये वी है, यहां पर आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, वो इस पे जाके ये ऑब्जेक्ट पे यहां आपका एक फोकस हो रही है इस लेंस के अनुसार। अब ये आपका फोकल पॉइंट है, ये आपका फोकल पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका वी हो गया, यू आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस प्लेन से। अब हम सिमिलर ट्रायंगल का उपयोग करके, ये आपके दो ट्रायंगल बनते हैं यहां पर, इसे सीधा वाई बाय वाई डैश, ये आपकी जो डिस्टेंस है जो यहां पर है ऑब्जेक्ट की, वो कैसे दिखाई दे रही है, वाई बाय वाई डैश इज इक्वल टू वी बाई वी, ये डिस्टेंस है और ये वी डिस्टेंस। तो सीधा आप सिमिलर ट्रायंगल से ये जान सकते हैं कि अब एफ क्या है, ये वी माइनस, यहां से फॉर्मूला हम ले लेंगे, यू इज नथिंग बट वी माइनस, यहां पर आप वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने अपने अकेडमिक्स में पढ़ा है। ये क्या मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये हमारी इमेजिंग में ये यूज होता है। अब इस इक्वेशन को हम लेंगे तो हमारे पास 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल 1 बाय एफ, बाकी चीजें भूल जाइए, केवल इसको ध्यान रखिए कि हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। इसे हम देखें कि जो थिन लेंस इक्वेशन है ये इंप्लाई करता है कि जो पॉइंट है जो डिस्टेंस यू पे है लेंस से, वो फोकल इन फोकस है, फोकल पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन द इमेज प्लेन, जो बाकी पॉइंट्स है वो ब्लर सर्कल बनाएंगे या सर्कुलर, वो सर्कुलर ऑफ कन्वर्जन बनाएंगे। ये देखिए यहां पर, यहां की ये वाली जो इमेजेस आ रही है, ये जो रेज आ रही है, ये प्रॉपर यहां पर आके फोकस हो रही है, लेकिन ये वाली जो आ रही है, जो जब ये मिल रही है यहां पे, यानी कि द थिन लेंस इक्वेशन इंप्लाइज दैट ओनली पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम द लेंस आर इन फोकस, जो डिस्टेंस यू पे है, जो हमने यू ये इस इक्वेशन को ध्यान देखें तो यू पे है वो फोकस में, बाकी नहीं, तो वो आपको जरूर कंफ्यूजन बनाएंगे, यहां सर्कुलर कंफ्यूजन कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट्स और कैमरे से दूर होते हैं तो फोकल प्लेन अप्रोच करता है इमेज प्लेन पे, ओके। तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, ये भी आपका एक इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जो रेंज है डेप्थ का, वहां पर इन फोकस जब आप फोकस करें, देखिए कैमरे पे यहां पर देखिए, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है और यहां पर कुछ दिख रहा है, तो हम जब कैमरे से मिल ले रहे हैं, जब ये मैंने आपको सर्कल ऑफ कंफ्यूजन बताया, तो यहां से यहां तक आपको ब्लर चीज मिल रही है, यहां से यहां तक आपको ब्लर चीज मिलती है, लेकिन जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, मतलब जहां पर आपको प्रॉपर इमेजिंग मिलेगी, वो ये है यहां से लेकर यहां तक, तो इसे आप कहते हैं रेंज ऑफ डेप्थ और विद द वर्ल्ड इज अप्रोक्सिमेटली शार्प, बाकी जगह नहीं है। अब इस डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करें, तो जो साइज है इस ब्लर सर्कल का, जो जिसे मैं सर्कल ऑफ कंफ्यूजन भी कह रहा हूं, ये प्रोपोर्शनल होता है एपर्चर साइज के, ये सर्कुलर अपर्चर जो देख रहे हैं। तो हम डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए हम एपर्चर साइज को चेंज कर देते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं डायग्राम से, डायग्राम से, और ये अफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ फील्ड को। तो अगर छोटा अपर्चर है, ये इंक्रीज करेगा रेंज जहां पर ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली फोकस पे, लेकिन इसके लिए हमको एक्सपोजर टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम बड़ा अपर्चर ले रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा डेप्थ ऑफ फील्ड को, लेकिन यहां पर हमको एक्सपोजर टाइम को घटाना पड़ेगा। ये देखिए अलग अलग अपर्चर साइज से ली गई इमेज, यहां पर अपर्चर बड़ा है और डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो गई, और यहां पर अपर्चर छोटा है और डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा हो गई। ये लार्ज अपर्चर है जिसमें स्मॉल डी ऑफ है, तो यहां पैर क्लियर दिख रही है लेकिन चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा। और फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, जिसे हम जूम कह रहे हैं, तो जो कोण है, देर इज अ कोन ऑफ व्यूइंग डायरेक्शन ऑफ द कैमरा, आप अपनी आंखों में भी देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको एक एक रेंज तक दिखता है, आपको एक रेंज के बाद नहीं दिखता, यानी कि आपकी एक फील्ड ऑफ व्यू है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ, यही बात आपके कैमरा के लिए, ये कैमरा कहां तक देख सकता है, इसका एक कोन बन रहा है, देखिए ये कोन बन रहा है, ये कोन बन रहा है, जैसे ही आप इसका साइज वेरिएट करेंगे, अपर्चर को वेरिएट करेंगे, तो आपका इसका कोन और कम या छोटा होगा। तो जो कोन का व्यूइंग डायरेक्शन है कैमरे का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, जैसे आप यहां से देख पा रहे हैं, अगर आप इसको देखें कि ये हमारा एक लेंस है, यहां पर एक ये एंगल बना रहा है जिसे हम ये फाई कह रहे हैं, तो जो साइज फील्ड ऑफ व्यू का है
वो पूरी तरीके से जो कैमरा का रेटिना है, कैमरा की भी तो आंखें होती है जैसे लेंस कह रहे हैं, तो ये 10 inverse 5 इसको डी बाय 2f से हम बता सकते हैं इसका रिलेशन है। अब देखिए ये अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आप करीब जाएंगे कम दिखेगा, दूर जाएंगे ज्यादा दिखेगा। अब इसमें एक और चीज आती है, रिड्यूस परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन बाय वेरिंग डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। आप डिस्टेंस और फोकल लेंथ को वेरी करके परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। परस्पेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप देखते हैं तो चीजें जो पास की हैं वो बड़ी दिखती हैं, दूर की छोटी दिखती है। तो अगर छोटा आपका एफ है, फोकल है, तो बड़ी आपकी फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगी, तो कैमरा आपकी क्लोज हो जाएगा कार से। अगर आपका एफ लार्जर है तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगी और कैमरा आपको बाहर, मतलब दिस इज कैमरा इज सपोज टू बी फार फादर, यहां पर आपको दूर थोड़ा सा दूर दिख रहा है, यहां पास दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये डिस्टॉर्शन, क्योंकि उसमें एक्चुअल शेप नहीं आ रहा है। परस्पेक्टिव के कारण यही प्रॉब्लम आती है कि आपको एक्चुअल व्यू नहीं आता, ये लेस यहाँ पर कम परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन है। ये फेसेस में देखिए, ये वाइड एंगल आपने ले लिया, ये स्टैंडर्ड ले लिया, टेलीफोटो देख ली, तो थोड़ा सा इसमें वो चेहरा नहीं आ रहा है जो एक्चुअल में है। यहाँ पर परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन थोड़ा कम है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन को थोड़ा एक सिंपलर मॉडल लेके, जहां टेलीफोटो लेंस ले सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसका जो रेंज ऑफ या डेप्थ का रेंज है वो कम। अब एफाइन कैमरा का यूज करके अप्रोक्सीमेटिंग एंड एफाइन कैमरा, कैसे हम एफाइन कैमरा का अप्रोक्सीमेट करते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा इन्फिनिटी पे है। अगर आप इंक्रीज करेंगे फोकल लेंथ को और इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा को, तो देखिए यहां पर आपको सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपका परस्पेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो पैरेलल जा रहा है। रियल लेंसेस जो एक्चुअल लेंसेस है, ऑल बट द सिंपलेस्ट कैमरा कंटेन लेंसेस, हर एक कैमरे में लेंस होता है और कई में सेवरल लेंसेज, मतलब एक से ज्यादा लेंस एलिमेंट होते हैं। तो हर एक एलिमेंट ये एम करता है जो लाइट आ रही है उसको डायरेक्ट करे, ताकि वो इमेज आपके रिक्रिएट हो सके जैसी डिजिटल सेंसर ने ली है, जो इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से आनी चाहिए। और ये जो सब अलग अलग आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो लेंस एलिमेंट है, कोई एक लेंस नहीं, ये लेंस एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर प्रॉपर आपकी फिल्म फिल्म बने या डिजिटल सेंसर उसे सेंस करे। तो लेंस के भी कुछ फ्लॉज होते हैं, जैसे क्रोमेटिक एबरेशन, लेंस की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ये फ्रिंजिंग कर देता है, यानी कि लेंस पूरा फोकस नहीं करेगा सारे कलर्स को, एक पॉइंट पर होना चाहिए था, लेकिन कलर्स को ठीक से फोकस कर ही नहीं रहा। ये क्रोमेटिक एबरेशन का प्रॉब्लम देखिए, ये देखिए क्रोमेटिक एबरेशन आप इसमें दिख रहा होगा। दूसरा है लेंस में फ्लॉ क्या आता है, रेडियल डिस्टॉर्शन। रेडियल डिस्टॉर्शन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टॉर्ट हो जाती है जब वो मूव करती है दूर, फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इमेज। जैसे सेंटर पे है तो ठीक है, जैसे सेंटर से बाहर जाएगी डिविएशन होगा, ये डिविएशन आपको ज्यादा नोटिसेबल हो जाएगा जो पास हो रही है एज पे, जो यहां से पास हो रही है, ये एज पे जो पास हो रही है वहां आपको ज्यादा डिस्टॉर्शन दिखेगा। ऐसी रेडियल डिस्टॉर्शन होता है, यह देखिए अभी डिस्टॉर्शन दिख रहा होगा आपको, यहां पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, इसे हम कह रहे हैं पिन क्वेश्चन। यहां पर आप देखिए इसको ले रहे हैं तो ये जो डिस्टॉर्शन आ रहा है, ये जो बैरल डिस्टॉर्शन आ रहा है, इसे हम रेडियल डिस्टॉर्शन कहते हैं। ऐसे टेंजेंशियल डिस्टॉर्शन भी होता है, लेंस एग्जैक्टली पैरल तो होता नहीं है इमेजिंग प्लेन के, तो उस कारण से। अब आंखों को देखिए, ह्यूमन आई हम कैसे देखते हैं, हम तो कैमरे की तरह देखते हैं, जैसे अपर्चर। अपर्चर क्या है, हमारा प्यूपिल है, जो आप देखिएगा कभी बहुत ज्यादा लाइट होती है ना तो हम अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ लेते हैं, तो प्यूपिल अंदर जो आग के प्यूपिल होता है ना वो सिकोड़ देता है कि कम लाइट अंदर आए, इसे ही अपर्चर का है। प्यूपिल इज नथिंग बट द अपर्चर। लेंस है हमारे पास, मैकेनिज्म है फोकस करने के लिए, और जिसमें हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के लिए इमेज को, जिसे हम फिल्म कह रहे हैं, वो रेटिना है। तो हम ये देखिए, ये जो यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स होते हैं, जो फिल्म में रॉड्स और कौन ROD, ROD और CONS, रॉड्स और CONS कौन से होते हैं रेटिना में। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं इमेज को और ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को, ताकि ब्रेन इंटरप्रेट कर सके। ये आपका ऑप्टिक नर्व है, मैं यहां से देखता हूँ, यहां से क्योंकि लाइट यहां से आ रही है। अब सबसे पहले आप देखिए, ये आपका कॉर्निया है,
लाइट यहाँ से पास होती है कॉर्निया से, जो एक ट्रांसपेरेंट विंडो है आपकी आंखों के सामने, फिर वो फोकस होती है रेटिना पे जाके। तो यहां पर आपका आयरिस है, उससे पहले ये आपका लेंस है, और उसके पहले क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल ये अपर्चर है, ये ओपनिंग है जो सेंटर ऑफ द आयरिस है, ये जो साइज है प्यूपिल का ये एडजस्ट होता है ताकि कंट्रोल किया जा सके अमाउंट ऑफ लाइट इधर एंटर टू आंखों के अंदर कितनी लाइट आ रही है। अब यहाँ पर आपको रॉड का कंसेंट्रेशन मिल रहा है, ये आपका रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है, यहां से आपके ऑप्टिक नर्व में इंफॉर्मेशन जाती है। तो अगर ह्यूमन आई की बात करें, ये हमारी आंखें हैं जो कैमरा में कैमरा फोकसिंग एट वेरियंट डिस्टेंसेस अचीव बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज ऑब्जेक्ट, यानी हम जब कैमरे की बात करते हैं तो जो फोकस होता है अलग अलग डिस्टेंसेस पे, वो हम कैसे अचीव करते हैं, हम डिस्टेंस जो लेंस और इमेजिंग प्लेन में डिस्टेंस है उसको वेरी करते हैं। आंखों में ह्यूमन आई में जो डिस्टेंस है लेंस और जो रेटिना का वो फिक्स्ड है 17 mm से लेकर 14 mm। हमारी आंखों के अंदर जो हमारा लेंस है और हमारी जो रेटिना है उसका डिस्टेंस फिक्स है। ओके, अब फोकसिंग हमें कैसे मिलती है, वो हम अचीव करते हैं शेप ऑफ लेंस। ये जो लेंस है ना, इसको हम, ये आंखें अपने आप इसको वेरी करती हैं, चाहे उसको फ्लैट कर दें चाहे थिकर कर दें। तो अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्लोज फोकस करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो डिस्टेंस फोकसिंग के लिए थोड़ा आई रिलैक्स रहती है, जब हम दूर की चीज देखते हैं तो आंखें रिलैक्स होती है, जब हम पास की चीज देखते हैं वो हमारी क्लोज फोकस आई हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो अगर बार 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 आप चीजें पढ़ते रहेंगे पास से, या फिर उल्टा होकर पढ़ेंगे, लाइट आपके आंखों में ठीक से नहीं आ रही है, तो आपकी आंखों में चश्मा लगता है, आपकी आंखें खराब होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कंप्यूटर को देखते देखते कुछ देर के बाद 15-10 मिनटों के बाद बाहर देखिए, दूर की तरफ देखिए, आपकी आंखों को रिलैक्स करें, ये शॉर्टर फोकल लेंथ हो जाती है। तो रेटिना में आपके, जैसे मैंने आपको बताया, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, और वो ट्रेवल करती है, वो जाती है आपके नर्व्स के थ्रू ब्रेन अब इंटरप्रेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, अब फिर वो फॉर्म करता है इमेजेस को। तो दो तरीके के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे पास, एक रॉड्स है और एक कोन है। ये ऐसा नहीं कि इनका नंबर एक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कोन्स, जो कि 6-7 मिलियन होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल कलर विजन, सारे कलर विजन के लिए कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, रेटिना, बट आर कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ विजन एंड द बैक ऑफ द रेटिना। यानी कि ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे रेटिना में होते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, रेटिना के बैक, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। जो फोविया है, ये एक स्पेशल एरिया है जहां पर आपको मोस्टली कॉन्स मिलेंगे, यहां पर डिटेल या कलर सेंसिटिविटी या रेजोल्यूशन यहां पर हाईएस्ट होता है। 3 different types के कॉन है आपके पास, क्योंकि कलर की बात हो रही है, मैंने कहा कलर के लिए सेंसिटिव कॉन्स होते हैं। हर टाइप का एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो सेंसिटिव है वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, सर्टेन रेंज के लिए। जैसे जो शॉर्ट होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं, मैंने बताया कि 3 types के कोन होते हैं और जो सेंसिटिव होते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में। अगर शॉर्ट है तो ब्लू के लिए सेंसिटिव है, मीडियम है तो ग्रीन के लिए, लॉन्ग है तो रेड के लिए। जो रेशियो है LMS का, कोन्स का, आंखों के कोन्स का, वो है अप्रोक्सीमेटली 10:5:1। कोई भी एस कोन्स, ऑलमोस्ट नो एस कोन्स इन द सेंटर ऑफ द फोविया, फोविया में कोई भी एस कोन आपको नहीं मिलेगा। अब रॉड्स क्या है, 120 मिलियन, ये उनकी प्रति सेंसिटिव है, उन लाइट के प्रति जो कोन्स जिन कलर को डिसर्न नहीं कर सकती। दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स बट कैन नॉट डिसर्न कलर। इसको मैं दोबारा बताता हूं कि ये जो हमने कोन्स पढ़े उससे ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इनमें कलर डिसर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, दिखना डिसर्न कलर, जिस तरीके से कोन्स क्या करते हैं, कलर को डिसर्न करते हैं कौन सा ब्लू है कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है। यहाँ पर है तो बहुत ज्यादा है, लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये कलर डिसर्न नहीं करते। जैसे प्राइमरी रिसेप्टर, जैसे आपका नाइट विजन है या मोशन डिटेक्शन के लिए आपके रॉड्स होते हैं, बहुत सारी लाइट आएगी तो ओवरवेल्म हो जाएंगे और उसको रीसेट होने में टाइम लगेगा, और फिर वो अडेप्ट करेंगे डार्क अगेन। जैसे आप कहीं पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, हॉल में जैसे घुसते हैं तो आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर के लिए आपको सब कुछ दिखने लगता है,
ऐसे जब आप एकदम से पिक्चर देख के 3 घंटे बाद बाहर निकलेंगे तो आपको लाइटें बहुत ज्यादा लाइट बहुत ज्यादा दिखती है। तो एक बार आप जब अडाप्ट हो जाते हैं डार्कनेस पे तो रॉड्स अब 10,000 टाइम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट के प्रति। कौन से ज्यादा? डिजिटल कैमरा रिप्लेस करते हैं फिल्म, वहां पर फिल्म की जगह सेंसर एरेज होते हैं। डिजिटल कैमरे का मतलब यह है कि अब उसमें फिल्म नहीं होगी, उसमें सेंसर एरे होंगे। तो हर एक सेल जो एरे में होगा वो लाइट सेंसिटिव है, डायोड है जो कन्वर्ट करता है जो भी फोटॉन्स आ रही है उसको इलेक्ट्रॉन्स। तो दो कॉमन टाइप के आपको मिलेंगे जो मैं सेंसर एरे की बात कर रहा हूँ, या तो चार्ज कपल डिवाइस CCD या CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चार्ज कपल डिवाइस या CMOS, CCD या CMOS। तो अब डिजिटल कैमरास इमेज को बनाते कैसे? हमने देखा कि हमारे पास CCD हो सकता है सेंसर एरे की तरह, या CMOS हो सकता है। तो जैसे ये इल्यूमिनेट होता है कोई भी सीन, तो इमेजिंग सिस्टम के पास जो लाइट आती है वो इंटरनल इमेजिंग प्लेन में वो कुछ इस तरीके से दिखती है, लेकिन जब वो डिजिटाइज होती है तो हर एक जगह पे जहां जहां पर, अगर आप इस इमेज इस पे मैं यहां पर इस तरीके से एक ग्रिड रख दूं, तो जहां जहां ग्रिड पे मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर मैं पिक्सेलेट कर दूंगा और उसकी इंटेंसिटी ले लूंगा। तो ये डिजिटाइज इमेज होगी जो आपको आउटपुट में मिल रही है। जो CCD कैमराज है, CCDs मूव फोटो जनरेटेड चार्ज फ्रॉम पिक्सल टू पिक्सल एंड कन्वर्ट इट टू अ वोल्टेज टू एन आउटपुट नोड। ध्यान दीजिएगा, CCD का मतलब ये है जिसे हम चार्ज कपल डिवाइसेस कह रहे हैं, ये जो भी फोटो जनरेटेड चार्ज है इसको मूव करता है। मूव फोटो जनरेटेड चार्ज, जो भी फोटो मतलब इसने लाइट के कारण कुछ चार्ज जनरेट हुआ, जो भी चार्ज जनरेट हो रहा है उसको मूव करता है, उस चार्ज को जनरेट करता है, मूव करता है एक पिक्सल से पिक्सल और उसे कन्वर्ट करता है वोल्टेज किसी आउटपुट नोड पे। तो CCD जिसे हम चार्ज कपल डिवाइसेस भी कह रहे हैं, यहां पर देखिएगा कि एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC भी है, वो हर एक पिक्सल वैल्यू को एक डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, डिजिटल वैल्यू तो मिलती है। अब इसको ध्यान से देखिए, एक यहां पर फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन हो रहा है, यानी यहां पर आपको फोटोन था, CCD पे फोटोन आता, लाइट आती है, उस फोटोन को यहां पर इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन में किया, यहां पर फोटोन को, या CMOS अगर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन CMOS में आपका फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। अगर CCD की बात करें तो यहां पर फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कुछ इस तरीके से हो रहा है। कैसे? ये चार्ज जो है, जो भी चार्ज यहां पर बन रहा है वो आपका वोल्टेज में कन्वर्ट इस तरीके से हो रहा है CCD में। CMOS में सेम चीज यहां पर वोल्टेज कन्वर्जन हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं कि फोटोन इनपुट आ रहा है आपके CCD या CMOS में और आपको मिल क्या रहा है, वोल्टेज। और फिर जैसे आपको वोल्टेज मिल गया आप उसका ADC करके आप पिक्सल वैल्यू के लिए डिजिटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो CMOS कन्वर्ट करता है चार्ज को वोल्टेज, जैसे हमने अभी देखा, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं हर एक पिक्सल पे ताकि आप एम्पलीफाई कर सके और मूव कर सके जो चार्ज है कुछ ट्रेडिशनल वायर से। और जो CMOS सिग्नल है वो डिजिटल है, इसलिए CMOS में आपको ADC की जरूरत नहीं होती है, आपको CCD में यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। इमेज डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो इमेज डिजिटाइजेशन के लिए हम कुछ स्टेप लेते हैं। जैसे आपके पास एनालॉग सिग्नल है, इसको हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है, जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बताया है पिछले डिस्कशन में। तो हम सैंपल ले लेते हैं अलग डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे और उन सैंपल को उठा के फिर उन्हें क्वांटाइज कर देते हैं। क्वांटाइज का मतलब जैसे 2 और 3, 1 से लेकर मान लीजिए 7 तक वैल्यू देनी है, 2 और 3 यहाँ पर। तो अगर 2.1 आ रहा है तो हम इसको ये वैल्यू दे देंगे, मतलब इसको 2 को असाइन कर देंगे, और 2.9 आ रहा है तो यहाँ असाइन कर देंगे। तो सैम्पलिंग एक मेजर है, यहाँ पर वी मेजर द वैल्यू ऑफ इमेज एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है उनको हम फाइनाइट नंबर में तब्दील करते हैं। और चूंकि कोई भी आप देखिए कोई एक लाइन के बारे में बताइए तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो अगर हम एक सिग्नल की बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, हम क्यों ना यहाँ से सैंपल लें। फिर हमें क्वांटाइज कर दें, यानी कि हमें रिप्रेजेंट करना है जो भी वोल्टेज वैल्यू आ रही है उसको किसी इंटीजर से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ 2 और 3 के बीच में बताया। फिर इमेज को डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखिए एक लाइन अगर बनाए तो ये किस तरीके से दिख रही है आपको, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही रिप्रेजेंट यहाँ से हो रहा है। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं आपके सिग्नल, उस सिग्नल के हम यहाँ पर अलग अलग सैंपल लेते हैं, जैसे मैं बता रहा था डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे। अब इन सैंपल को हम इन लेवल पे, ये जो आपसे 1 से 8 तक बता रहा था, इस पर क्वांटाइज करते हैं, तो अब उनको वैल्यू मिल जाएगी 1 से लेकर 8 तक, या 256 है तो 0 से लेकर 255 तक।
तो इमेज एक्चुअली में है क्या? इमेज जो आपने वहां से देखा, आपकी लाइट आई, लाइट को जो भी कैमरे पे मिला, कैमरे में सीसीडी है, सीमॉस है, तो सीसीडी और सीमॉस ने आपका कन्वर्ट किया उसको वोल्टेज लेवल पे, और वोल्टेज जो है उसको जो भी आपके एनालॉग सिग्नल आया उस एनालॉग सिग्नल को आपने सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग करके क्वांटाइज किया, क्वांटाइज कर दिया आपकी वैल्यूज, ये वोल्टेज लेवल ही है एक्चुअली, ये फोटोन है, फोटोन को वोल्टेज में चेंज किया, वोल्टेज को हमने नंबर्स में चेंज कर दिया गया, नंबर आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अगर आप 8 बिट पर पिक्सल लें, हर एक पिक्सल 8 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 0 से लेकर 255 तक जाएगा। 0 का मतलब है ब्लैक, व्हाइट का मतलब है 255, ग्रे का मतलब यानी ये सारे ग्रे शेड्स हैं, 0 से 255 के बीच में वेरी कर रहे हैं, ये ग्रे स्केल या ग्रे लेवल है आपका। तो इमेज एक फंक्शन है, टू डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन है, या इसको आप 2D इंटेंसिटी भी कहते हैं, 2D सिग्नल भी कहते हैं। तो FXY ये इंटेंसिटी बताता है किसी भी एक पोजीशन पे जो XY है, आपने अगर देखा भी अभी मैट्रिक्स दिखाया था मैंने, ये मैट्रिक्स है, तो ये 0.49 ये बता रहा है XY, कौन सा XY, ये रो और ये कॉलम, इस रो और इस कॉलम पे 49 वैल्यू है जो FXY है, दिस इज 49। ये देखिए एक आपने FXY, ये X और Y हर एक पॉइंट पे आपको कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, और ये आपका ग्रे स्केल रिप्रेजेंटेशन है इस इमेज का, अर्नॉल्ड साहब है ये। डिजिटल इमेज एक डिस्क्रीट जिसे हम कहते हैं सैंपल और क्वांटाइज वर्जन है इस फंक्शन का। इमेज सैंपलिंग, अगर आप ओरिजिनल इमेज लें, इसको सैंपल करें किसी एक फैक्टर से, अगर आप फैक्टर ऑफ 2 लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, अगर आप किसी और नंबर से करते हैं तो 2 से करें, 4 से करें, फिर 8 से करें, तो 2, 4 और 8 में आपको ऐसे से मिलेगा, केवल रिसाइज कर दिया गया इस इमेज को ताकि आप कंपेयर कर सकें। सैंपलिंग जितनी सैंपल्स आप यहाँ पर लेंगे, जो आपने मैंने बताया डब्बे जो आपने लिए थे, जितना ज़्यादा आप सैंपल लेंगे उस हिसाब से आपको चीज़ें जैसी मिलेंगी वो, अगर आप फैक्टर ऑफ 2 यानी कि बहुत करीब करीब सैंपल लिए वैसे मिलेगा, बहुत दूर दूर सैंपल लिएगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। अब इमेज क्वांटाइजेशन जो मैंने बताया, 1 से लेकर कहाँ तक लेवल कर रहे हैं, अगर आप केवल पूरे के पूरे 1 से लेकर 0 से लेकर 255 तक कर दें, क्योंकि 256 वाली है तो 0 से 255 वाली, तो आपको 8 बिट पर पिक्सल ऐसे दिखेगा, मान लीजिए 32 ग्रे लेवल लेते हैं तो ऐसे दिखेगा। इन दोनों में ज़्यादा अंतर आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ही कम ग्रे लेवल, बहुत कम इंटेंसिटी जो ग्रे लेवल इंटेंसिटी है उसके प्रति आकर्षित है या उनके प्रति सेंसिटिव है, जबकि हमारी आंखें कलर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 16 ग्रे लेवल यहाँ पर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम 16 तक करीब हम जज कर लेते हैं, अब आपको थोड़ा खराब दिखने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ से आपकी आंखें पता करने लगी कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, अब यहाँ पर आपकी और आंखें पता करने लगी कि क्या 2 ग्रे लेवल है जैसे आपने 0 और 1, केवल हर वैल्यू चाहे कोई भी वैल्यू आ रही है एडीसी से, आपने या तो उसको 0 दे दिया है, 1 दे दिया, तो देखिए कैसे आया। कलर इमेजेस की बात करें तो कलर इमेजेस उसमें 3 कलर चैनल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कंबाइन करते हैं ताकि हम कलर को देख सके। ये अलग अलग देखिए, इसमें रेड ये है, ग्रीन ये है, ब्लू ये है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्प्ले डिवाइस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं जो भी छोड़ रही हैं कलर को, ये एक रेड छोड़ेगी, यहाँ से रेड वाले को पास कर देंगे, यहाँ से ग्रीन वाले को और यहाँ से ब्लू वाले को, ऐसे फिर आपको तीनों कलर की दिख जाएगी। अगर हम उसको डिजिटल में देखना चाहें तो रेड, ग्रीन, ब्लू आपके 3 अलग अलग प्लेन होते हैं, और यहाँ पर एक आपका, यहाँ से मैं अगर लाइन बनाऊँ, हर एक पॉइंट जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है इसे हम कहते हैं RGB कलर पिक्सल वेक्टर, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RXY, GXY, BXY, कोई भी इमेज जो कलर इमेज है FXY अगर उसको बोलना चाहें। एक कलर सेंसिंग एक कैमरे में जैसे एक प्रिज्म है, तो यहाँ पर हमको 3 चिप चाहिए और प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए, जो मैं CCD की बात कर रहा था, चाहे वो R है, चाहे ग्रीन है, ब्लू है, आपने एक तो CCD देख ली, अब अगर आपको 3 चाहिए, मतलब तीनों कलर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए आप अलग अलग आपको कलर दिखाएंगे, तो आपको 3 चिप चाहिए और इसका प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिज्म का यूज़ करेंगे। अलग अलग CCDs होंगी, रेड के लिए अलग, ये रेड निकाल के दे रहा है आपको, ये ग्रीन निकाल के दे रहा है, ये ब्लू निकाल के दे रहा है। तो कलर सेंसिंग कैमरा में, जिसे हम कलर फिल्टर एरे भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा जो कैमरा है उसमें आपकी ब्लैक एंड वाइट भी इमेज आती है, कलर भी आती है, तो कलर सेंसिंग जो कैमरा में होती है उसके लिए हम कलर फिल्टर एरे का उपयोग करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जो थे, जो लीगेसी सिस्टम है, उसमें कलर फिल्टर हम अप्लाई करते हैं एक सिंगल लेयर फोटो डिटेक्टर, जिसमें हम टाइल मोजाइक पैटर्न रखते हैं, यानी कि इन ट्रेडिशनल पैटर्न
color filters are applied to a single layer of photo detectors in a tiled mosaic pattern. देखिए यहाँ पर एक incoming light है, ये आपका एक filter array है, ये आपका sensor array है, तो जो सेंस कर रहा है ये resulting pattern, यहाँ पर आपको red दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको green दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको blue. तो इस जगह पे हमने जो एरे बनाए हैं वो पूरी तरीके से बायर ग्रिड की तरह काम करें, यानी कि ये केवल ब्लू सेंस करें, बाकी हम यहाँ पर बाकी को हटाई देंगे, यहाँ पर केवल ग्रीन सेंसर को रखेंगे, यहाँ बाकी को हटा देंगे, यहाँ रेड को देखेंगे फिर रेड दिखाई दे रहा है. तो ग्रीन क्यों ज्यादा दिख रहा है आपको, ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन जो है बीच में आता है, यहाँ ब्लू है यहाँ रेड है. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें या फिर क्वेश्चन उसका कर्व देखें तो ये ह्यूमन ल्यूमिनेंस सेंसिटिविटी फंक्शन है. ग्रीन बिल्कुल बीच में आता है, हमारी आंखें सबसे ज्यादा ग्रीन के प्रति आकर्षित होती है. आप देख लीजिए आपको पेड़ पत्ते पौधे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, कोई अगर ये मुझे कहे कि मुझे बादल ज्यादा पसंद आता है या मुझे समुद्र पसंद आता है तो वो दूसरा सेकंड लेवल के होगा, क्योंकि पहला हमारा ग्रीन है. भगवान ने अल्लाह ने सब कुछ ग्रीन बनाया है, हर चीज ग्रीन, तो वो ग्रीन हमारी आंखें सेंसिटिव. जैसे मैं मुझे पर्सनली ब्लू कलर बड़ा पसंद आता है तो मेरी आंखें हो सकता है सेंसिटिव इसके प्रति ज्यादा. कलर सेंसिंग कैमरा में जो कलर फिल्टर एरे है इसमें कैसे होता है, कलर फिल्टर एरे में ये एक रेड है जो मैंने आपको बताया, अलग अलग ब्लॉक आप देख रहे हैं, बाकी ब्लॉक में कुछ नहीं है, केवल रेड रेड वाले केवल हाईलाइटेड है, यहाँ पर ग्रीन वाले यहाँ पर ब्लू वाले. अब इसको अगर आप जोड़ दें तो आपको RGB मिल जाएगा, यानी आप ये RGB इसको हम डी मोजैक करेंगे, यानी डी मोजैकिंग यानी इंटरपोलेशन करेंगे और आपको हर जगह RGB मिल जाएगा. इस तरीके से कलर फिल्टर एरे काम करता है. कलर सेंसिंग कैमरा में कैसी होती है, जैसे आप ये फोवियन X3 की बात करें, यहाँ पर आपका CMOS सेंसर, ये क्या एडवांटेज देता है, ये एडवांटेज देता है इस फैक्ट का कि रेड ब्लू और ग्रीन लाइट, रेड ग्रीन और ब्लू लाइट, ये सिलिकॉन टू डिफर डेप्थ. जब यहां पर मैं आपको इसका ऐसे समझाता हूं, जैसे ये कलर फिल्म है, यहां पर तीन लेयर्स हैं इमल्शन से विच डायरेक्टली रिकॉर्ड रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट. यहां पर आपकी कलर फिल्म है जो तीन लेयर्स इसमें है, 1, 2, 3, और ये लेयर ऑफ इमल्शन है जो डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं रेड ग्रीन. अगर आप सबसे पहले ये था फर्स्ट केम फिल्म, उसके बाद क्या हुआ, ये टिपिकल डिजाइन सेंसर्स हैं, दिस हैव जस्ट वन लेयर ऑफ पिक्सल्स एंड कैप्चर ओनली पार्ट ऑफ कलर, इसमें केवल एक लेयर. फिर क्या हुआ फोवियन X3, यहां पर डायरेक्ट इमेज सेंसर है, इसके तीन लेयर्स हैं पिक्सल विच डायरेक्टली कैप्चर ऑल ऑफ द कलर. यहां पर क्या होता था कि रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग इमल्शंस थे, यहां पर क्या है पूरी तरीके से कलर एब्जॉर्ब होता है. और CMOS सेंसर ये फायदा उठाता है कि जो फैक्ट है रेड ग्रीन और ब्लू है, ये इमल्शन जिसे हम सिलिकॉन फॉर डिफरेंट डेप्थ कह रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके से कैप्चर होते हैं. ऑल्टरनेटिव कलर स्पेसेस क्या है, जो कलर रिप्रेजेंटेशन है हम RGB से कंप्यूट करते हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल कंपोनेंट से ले सकते हैं जिसमें हम डी कोरिलेट कर देते हैं कलर चलन को. आप कलर इंफॉर्मेशन ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस या HSV या HSI से भी कर सकते हैं, HSV HSI, क्योंकि इमेज एक्विजिशन के लिए अलग कलर मॉडल है, इमेज डिस्प्ले के लिए अलग कलर मॉडल है, इले इमेज एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए अलग कलर मॉडल ले सकते हैं जिसमें सब कुछ अलग अलग तरीके से दिखता है, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन वहां पर अलग चीज होती है, हमारा ध्येय एम अलग होता है. तो जो जो अलग अलग कलर स्पेसेस हैं, RGB है आपका, CIE क्या, ये एक स्टैंडर्ड वाली कमिटी है जो आपके कलर के लिए बताती है कि कलर क्या होना चाहिए, कलर के स्टैंडर्डाइजेशन का काम CIE का है. तो जो भी आपके TV वगैरह में दिखता है वो RGB कलर है. ऐसे अगर आप प्रिंटर वगैरह की बात करें तो आपको CMY दिखाई देगा, ऐसे आप Y वाले जो क्लास Y हैं ये वाले, तो ये क्लास Y हैं जिसमें आप ये सब RGB से आप निकाल सकते हैं. और ये HSV वाले अलग अलग हैं, IHS HLS, ये अलग अलग आपके कलर स्पेसेस हैं. तो प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी ये है, रेड ग्रीन ब्लू लीजिए, इसको कंबाइन करिए, प्रोसेस करिए और इसका इन्वर्स ले लीजिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, और उसके बाद आपको RGB, ये आपकी प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी सिंपल कलर प्रोसेसिंग. तो कलर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे YCRCB चाहिए तो RGB आपके पास है, उसको ये एक्सप्रेशन यूज करके सीधा YCRCB में चेंज कर सकते हैं. और HSV है आपका, RGB है, इसको ये फॉर्मूला यूज करिए, आप HSV निकाल सकते हैं. ये तरीके हैं, जैसे अगर आप स्किन कलर लेंगे इसका RGB इस तरीके से दिखाई देगा, कि रेड ग्रीन देखेंगे तो इस तरीके दिखाई देगा. तो R, क्योंकि RGB जो होता है एडिटिव होता है, तो R का
जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल है, आर बाय आर प्लस जी प्लस जी बी, और इस तरीके से ग्रीन और ब्लू का ये स्किन कलर, स्किन डिटेक्शन करना है तो कुछ और तरीके हैं आपके पास। ये सब देखिए इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पर आप स्किन डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्किन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो एज डिटेक्ट कर सकते हैं, स्किन का पर्टिकुलर कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, या स्किन प्रॉपर कलरिंग स्कीम की चीजें निकाल सकते हैं। तो ये तरीके हैं आपके इस कलर के, हम आगे देखेंगे जब हम कलर इमेज प्रोसेसिंग देखेंगे। इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करें तो क्या है, क्योंकि आप कोई भी इमेज आएगी आप बोलते हैं कि मेरे पास जेपीईजी इमेज है, मेरे पास पीएनजी इमेज है, वो क्या होता है? तो काफी सारे इमेज फाइल फॉर्मेट हैं जो लाइन बाय लाइन आपको सिंपल मॉडल, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता है इसके बीच में, यहाँ पर आपको इमेजेस दिखा रहे हैं। तो जो हेडर होता है हर एक आपकी फाइल जो भी होगी फाइल फॉर्मेट, उसका एक हेडर होगा। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कुछ, जो विड्थ और हाइट है इमेज की, उसके हिसाब का ये एक हेडर होगा। और हर एक हेडर किसी एक नंबर से शुरू होता है, हर एक नंबर शुरू होगा। अगर कि मैं बोलूंगा कि मेरे पास जेपीईजी की इमेज है, तो कोई सॉफ्टवेयर कैसे पता चलेगा कि जेपीईजी की इमेज है? तो जैसे ही उसका हेडर पड़ेगा वो लेगा ये मैजिक नंबर है, जैसे 48 है, 61 है, ऐसे एक मैजिक नंबर होगा। उस मैजिक नंबर को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये वाली इमेज। तो एक मैजिक नंबर से आइडेंटिफाई होता है ये कौन सा आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो मैजिक नंबर बाइट्स यहाँ होती है, सबसे पहले वही पढ़ी जाती है, फिर हेडर होता है, हेडर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कलर चैनल क्या है, कंप्रेशन स्कीम क्या यूज हुई है सर, फिर इमेज डेटा आपका यहाँ पर होता है, एक्चुअल डेटा। तो अलग अलग कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट में आपके जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जिफ है, पीएनजी है, जेपेक है, टिफ है, पीजीएम है, फिट्स है। तो जिफ, पीएनजी, जेपेक मोस्टली हम इंटरनेट नेटवर्क पर यूज करते हैं, साइज कम होता है और कलर का जो डेप्थ है वो भी कम होता है। टिफ हम उसके यूज करते हैं, मल्टीपल इमेजेस रखनी है और इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें भी कंप्रेशन पॉसिबल है, लेकिन जेपेक में सबसे ज्यादा कंप्रेशन पॉसिबल है। और पीजीएम है, फिट से कई लोग ये भी यूज करते हैं। तो जैसे पीबीएम या पीजीएम या पीपीएम फॉर्मेट की बात करें तो ये पॉपुलर फॉर्मेट है ग्रे स्केल इमेज के लिए, 8 bits पर पिक्सल के लिए। और इसके साथ आपका पीबीएम है जिसको हम पोर्टेबल बिट मैप कहते हैं, ये बाइनरी इमेज के लिए 8 bits पर पिक्सल। पीपीएम है पोर्टेबल पिक्सल मैप, ये दो कलर इमेज के लिए 24, ये कलर इमेज के लिए है 24 bits पर पिक्सल। ASCII में आपकी इमेज ऐसे रिप्रेजेंट होगी, बाइनरी में ऐसे होगी। जो सिग्नेचर हैं अलग अलग पीबीएम, पीजीएम, पीपीएम, जिसको मैं पोर्टेबल बिट मैप, पोर्टेबल पिक्सल मैप और ये कह रहा हूँ, तो ये अलग अलग इसके सिग्नेचर्स हैं, अलग अलग इमेज टाइप है, स्टोरेज टाइप ASCII हो सकता है, ASCII मतलब उसमें आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, रॉ बाइट्स में आपको बाइनरी में होगा। तो ये हमने कोशिश की जानने की कैसे इमेज की शुरुआत होती है, कैसे बनती है, कैसे वो कलर तक आती है, क्या क्या स्कीम्स हैं, अपनी आंखों के बारे में भी बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी।